सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो सब बात करते हैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के बारे में। आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, जहां पे गवर्नमेंट खुद अवार्ड देंगे ना क्रिएटर्स को। काफी सारे लोग काफी अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट हुए। बता दूं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जो क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए बताता हूं। जैसे बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड के लिए नॉमिनेट कौन कौन हुए, कृतिका गोविंद स्वामी, अभिजीत जामलोकी, सुदेश सिंह पन्नू, फूड लवर्स टीवी, जाकिर खान, रणवीर अलाहाबादिया, आकांक्षा मोंगा, सुप्रिया पॉल, जील पटेल, भावेश यूज। एजुकेशन क्रिएटर अवार्ड के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, रचना फाट के रनाडे, अमन धतरवाल, एलएमएस, अनुष्का राठौड़, आदर्श गुप्ता, अंकुर वारिकु, श्रद्धा खापरा, डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी, दीक्षा अरोरा, नमन देशमुख। द डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुए, नैन्सी त्यागी, साक्षी केशवानी, रणवीर अलाहाबादिया, सुशांत दिवगीकर, सार्थक आहूजा, अभियन्यू, शिवम मलिक, मैन्युफैक्चरर्स गाइड, रेवंत हिमाच सिंह। बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी के अवार्ड के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, ब्रिगेड इंसान, यश माटीपाए, टोटल गेमिंग, मॉर्टल, डायनामो, सगुफ्ता इकबाल, टेक्नो गेमर्स, गेमर फ्लीट एंड स्काउट। न्यू चैंपियन अवार्ड के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, निखिल चंदवानी, अभियन्यू, अभिजीत चावड़ा, सैम शर्मा, राज समानी, काव्या कर्नाटक, नेहा नागर, अरविंद अरोरा, गणेश प्रसाद, गौरव ठाकुर। सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड्स के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, सुनील छेत्री, अमन गुप्ता, रणवीर सोरेन, सदगुरु, निखिल कमत, कुणाल कपूर, कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, एक्टर यश एंड जैकी श्रॉफ। इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ आप देख सकते हो। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, संदीप महेश्वरी, सुशांत दिवगीकर, सीए पालक राठी, सिद्धेश लोकरे, थिने रिडाई विलाई, मोस्टली सेम, सुप्रिया पॉल, जया किशोरी, तरुण मिश्रा, मदन गौरी। बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, निशा मधुलिका, कविदास किचन, मेघनास फूड मैजिक, परुल, संजोत कीर, सवन सोनी, हरि वेंकटेश, सुवेश भाटिया, अमृतसर वॉकिंग टूर्स एंड रेखा। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर्स के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, अंकित बैनपुरिया, विवेक मित्तल, सुभाष सरफ एंड हर्षवर्धन सरफ, गुंजन तनेजा, डॉक्टर पाल, गोकुल, अक्षर योगा, डॉक्टर हांसा, शहीदा बानो, सात्विक योगा। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, धरना दुर्गा, श्रद्धा, नेहा, अंकिता सहीगल, करिश्मा, सृष्टि दीक्षित, हिरल मेहता एंड निहारिका एनएम। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ, गोविंद कौशल, ऋषभ शुक्ला, कृष्णा, रौनक सहनी, नवीन सिंह, आरजे रौनक, आत्मन देसाई, मनीष खरोगे। ऑफ कोर्स नॉमिनेशन का लिस्ट देख के काफी सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स है ना, उनका नाम ही नहीं है। जैसे हर्ष बेनीवाल हो गए, कैरी मिनाटी हो गए, राउंड 12 हो गए, आशीष संसलानी, भुवन बाम, इनका तो नाम ही नहीं है, भाई न्यूज का कैटेगरी भी नहीं है, तो आई एम डिसअपॉइंटेड भाई। एंड हाँ, और भी बहुत सारे कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट हुए ना बहुत सारे क्रिएटर्स, तो माय गवर्नमेंट इंडिया के इंस्टाग्राम पेज का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके एल्विस यादव वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो आपको बताओ, कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एल्विस यादव का 6 तारीख को एक क्रिकेट मैच है एंड वो सचिन तेंदुलकर के टीम में होंगे, उनके अगेंस्ट में कौन होगा, अक्षय कुमार, एंड और भी काफी सारे सेलिब्रिटीज होंगे। बता दू, उसी क्रिकेट मैच में मुनावर फारूकी भी होंगे, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब एल्विस यादव बैटिंग कर रहे होंगे एंड मुनावर फारूकी बॉलिंग, या फिर मुनावर फारूकी बैटिंग एंड एल्विस यादव बॉलिंग। इतने सारे लोग एक्साइटेड हुए क्रिकेट मैच के लिए, कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छा, मुनावर फारूकी वर्सेस एल्विस यादव को बात करें तो बात करते हैं एल्विस यादव वर्सेस मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन ने एक ट्वीट किए थे, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 वाज वन ऑफ द वर्स्ट शोस, आई स्टिल रिग्रेट वाचिंग इट। तो उसका ना एल्विस यादव के एक फैन पेज ने रिप्लाई दिया था, क्या हुआ मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं आ रहे क्या? तो उसका मैक्सटन रिप्लाई किया, वेट, गवार आर्मी स्टिल एक्टिव हियर। तो उस ट्वीट को जो है एल्विस यादव रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, यू स्टिल एक्टिव। फिर उसका मैक्सटन रिप्लाई करते हैं, भाई एल्विस एक बात बता, बिना पूरी बात जाने ट्वीट करता है क्या? पहले गवार आर्मी मुझे पोक करेगी, फिर मैं उसे रिप्लाई करूंगा तो मेरे खिलाफ हेट फैलिंग। रिप्लाई करने से पहले पूरी बात तो जान लिया कर, क्या मैटर है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो एक मदर एंड उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता दूं। वो जो वुमन है ना, उनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। जो बच्चा है वो 3 साल का है, उसको वो वुमन ही पालती थी ना, उनका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो वो एंड बॉयफ्रेंड मिलकर उस 3 साल के बच्चे को उसके हेड में प्रेशर कुकर से हिट कर देते हैं। उस इंसिडेंट का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे वो 3 साल का बच्चा नेबर्स को बता रहा है कि कैसे उसको पीटा गया, और उसके माथे में, उसके हाथ में, उसके फिंगर्स में इंजरी मार्क्स वगैरह थे, वो भी वो दिखा रहा था। अभी तक तो इस मामले में किसी का अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे ना। और सर, फिजिकल असॉल्ट से रिलेटेड एक और काफी शॉकिंग वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता अच्छे से। एक बेटा अपने मॉम एंड डैड को पीट रहा होता है ना बहुत बुरी तरीके से। किसी ने ट्वीट किया था ना कि ये वीडियो कहां से है, कोई बताओ, इसको अरेस्ट करना चाहिए। तो नीचे एक जर्नलिस्ट ने रिप्लाई दिया था कि वो बंदे का अरेस्ट हो चुका है। जो झगड़ा हुआ था वो जमीन को लेकर कुछ तो हुआ था ना, फिर भी भाई इस तरीके का वीडियो देख के ना बहुत बुरा लगता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, ध्रुव राठी वर्सेस ऋतिक महलावत के बारे में। ऋतिक महलावत अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है, जिसका रिप्लाई ध्रुव राठी ने दिया। वो ध्रुव राठी के बारे में भी बात कर रहे थे ना। अब ध्रुव राठी ने जो रिप्लाई दिया ना, वो कमेंट तो उन्होंने अभी डिलीट कर दिया, उन्होंने उस कमेंट में टाइम स्टैम्प वगैरह दिया हुआ था ना। तो जो उन्होंने पहला टाइम स्टैम्प दिया 5 मिनट 16 सेकंड्स का, मैं ऋतिक महलावत का पहले वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। मैं इतने सारे वीडियोस आपको दे पाता हूँ, साथ साथ दुनिया ट्रेवल करते हुए, पर सच तो ये है कि ध्रुव राठी आज इतना सारा काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, ना कि इसलिए क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना आता है। तीन रिसर्चर है
तीन ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम कभी कभी मदद कर देते हैं रिसर्च करते वक्त। 6 एडिटर्स हैं जिनमें से 4 मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, 2 ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो ये पूरी टीम है जो कि आज के दिन है। एंड ये वीडियो 2 साल पुरानी है, डेफिनेटली इसके बाद उनकी टीम और ज्यादा बड़ी हो गई होगी। देखा जाए तो ध्रुव राठी का काम पूरे दिन में सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने का है, एंड इसके लिए क्या ही टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो उसका रिप्लाई किया ध्रुव राठी ने लिखे, तुम्हारे लॉजिक से एक सीईओ तो सबसे वेल्ला बंदा होगा कंपनी में। एक और टाइम स्टैम्प दिए थे, आप देखिए पहले क्लिप। ध्रुव राठी ने तो लेट काम का कनेक्शन सीधा मौत से ही जोड़ दिया। लेकिन अगर सालों तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चले गए तो एक दिन अचानक से आपको पता लगेगा कि आपको तो डायबिटीज हो गया, या फिर आपको पता चलेगा कि अचानक से आपके हार्ट में स्टंट लगाने की जरूरत है। कुछ लोगों को तो ये भी मौका नहीं मिल पाएगा, इमीडिएटली कुछ लोगों को हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। तो उसका रिप्लाई किया, यू आर मिसलीडिंग पीपल, दिस क्लिप्स आर फ्रॉम माय वीडियो ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट आई सेड ऑल दिस जस्ट टू सेल द कोर्स। एंड एक और टाइम स्टैम्प वो दिए थे 7:15 का, आप देखिए पहले क्लिप। एंड यहीं पर आती है उनकी थर्ड स्ट्रेटजी, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब मैं ध्रुव राठी की वेबसाइट पर गया तो मैंने देखा कि उन्हीं 4-5 पॉजिटिव कमेंट्स को 2-2 बार लिखा गया है। एक बार आप खुद ही देख लो, अंकुर वारिकू की भी वेबसाइट पर सब कुछ पॉजिटिव ही था, बट जब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मेरे को ये कमेंट्स मिले। एक बंदा बोलता है कि इस कोर्स को खरीदने से बेटर मैं एक बियर ही खरीद लूं। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स था ही नहीं इस कोर्स में। तीसरा बंदा बोलता है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन फ्री में ही मिल जाएगा तो इसके लिए पैसे क्यों ही देने। उसका वो रिप्लाई किया, इट्स अ बग ऑन द वेबसाइट, आई विल गेट इट करेक्टेड। एंड वो कहे, आई एम हैप्पी इफ यू नो ऑल द टाइम मैनेजमेंट टैक्टिक्स, यू आर फ्री टू शेयर योर ओपिनियन बट लेट पीपल डिसाइड फॉर देमसेल्फ्स इन अ फेयर वे। वेल, क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, रॉनी के बारे में। तो रॉनी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए जहाँ पे वो दिखाए ना कि एक वीडियो में 3.7 करोड़ व्यूज है। एंड वो वीडियो क्या है आप खुद देखिए। गाइस, मेरे को कोई प्लीज समझाओ कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। 3.7 करोड़ लोगों ने इस लड़की को खाना खाते देखा, मतलब ये पूरे वीडियो में बैठ के ऐसा इतना 10 लोग का खाना लेके बैठी है और ठूस ठूस के खाना खा रही है, लोगों ने सिर्फ उसको खाना खाते देखा है। ये कौन कैसे क्यों देखता है ये मुखबांग कोई? मेरे को अभी तक नहीं समझा है कि इसमें क्या मजा है, क्यों मजा है, क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे देख लेते हैं, क्या मजा मिलता है। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे कभी भूख लगता है ना कि ऐसा हो रहा है कि रात को बैठा हूँ मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं मुखबांग चला के देख लेता हूँ, मेरा पूरा भूख निकल जाता है, मैं वो खाने का मन नहीं करता हूँ देखने के बाद। तो चलिए अपडेट के बारे में, नंदा के बारे में आपको बताऊंगा। ये स्पेनिश वुमन है, इनका झारखंड में 7 बंदे मिलकर किए ना, और इनके साथ जो एक स्पेनिश टूरिस्ट आए थे उनको भी काफी आ गया, लूट आ गया। तो अभी इस मामले में कुछ बंदे अरेस्ट हो गए ना, उसका वीडियो क्लिप अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। उसी के ऊपर उर्फी जावेद रिएक्ट करते हुए लिखी, व्हाई डिड दे हाइड देयर फेस, लेट्स नेम एंड शेम देम। आल्सो गाइस, नंदा अभी नेपाल के लिए निकल चुकी है, उन्होंने इंडिया के ऊपर रिएक्ट करा, उनके साथ आपको पता होगा बहुत ही घटिया हरकत किया कुछ बंदों ने, बट फिर भी वो कही, पीपल ऑफ इंडिया आर नाइस, मैं इंडिया के लोगों को ब्लेम नहीं करती बट उन क्रिमिनल्स को ब्लेम करती हूँ, इंडिया के लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया एंड वो बहुत काइंड थे मेरे साथ। उसने एक ट्वीट इंडिया से रिलेटेड काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बहुत सारे लोग वो ट्वीट के नीचे रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं इंडिया इसलिए नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहती। अब वो ट्वीट किया भाई, तो एक बाहर के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया था लिखते हुए, व्हाट द एक्चुअल एफ इज रॉन्ग विद इंडियंस, एंड उसने 4 स्क्रीनशॉट्स डाले, ठीक है, सारे न्यूज़ है। एक में क्या लिखा हुआ है, 4 मैन अरेस्टेड फॉर बंगाल मॉनिटर लिजर्ड इन वेस्टर्न इंडिया। एक न्यूज़ था, प्रेग्नेंट गोट डाइज आफ्टर बीइंग गैंग बाय 8 मैन इन इंडिया। एक न्यूज़ था, डॉग डाइज आफ्टर बीइंग गैंग बाय 4 मैन इन इंडिया। एक न्यूज़ था, 4 मैन अरेस्टेड फॉर काउ काफ आफ्टर वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। एंड आपने भी ऐसे न्यूज कई बार न्यूज में सुना होगा ना। तो ये ट्वीट के नीचे काफी सारे फॉरेनर्स रिप्लाई कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर अपना चेहरा दिखाई बिना मेकअप के, यस, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, आप देख सकते हो। एंड वो लिखी, नो मेकअप नो फिल्टर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, आई डोंट केयर अबाउट योर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, यस आई हैव एक्ने, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन tone, dark circles, also a birthmark right in the middle of my forehead. And that's what brown skin looks like for most of us. Don't let nobody define beauty for you. You are beautiful just the way you are. तो चलिए वो अगली अपडेट के बारे में, वेस्ट बंगाल के मोस्ट फेमस कचोरी शॉप ओनर के बारे में। आपने इनको जरूर से देखा होगा, इन्हें काफी ज्यादा वायरल है ये। तो इसलिए कस्टमर उनके वहाँ जाते हैं एंड बोलते हैं ना कि थोड़ा साफ सफाई रखा करो। तो इसमें भाई वो जो कचोरी शॉप ओनर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आप देखिए। बोलिए, आप हाथ लगा दीजिए, हम यही अपना मौत कर लेंगे तुरंत 2 सेकंड में। आज लगाइए, आज के बाद बोल दिया ना, क्या आपको गाली सर, यहाँ पे बात नहीं करेगा, सुअर का बच्चा है, गाली मत दीजिए, सुअर का बच्चा है, तुमको एक बार बोलता सुन, फाड़ कर देंगे।
जितना बोलता उतना सुन सुन बने भी नहीं तो अभी बच्चा को लिख के रखा जो बोले हम करेंगे तो जो बोले हम करेंगे लिख के बता लिख के रख हो रख अपडेट के बाद में एक बंदे के बारे में जिसको कि अरेस्ट कर लिया गया नोएडा में क्यों वो ना महिंद्रा के शोरूम में जाता है डिसाइड करता है थार खरीदने का लेकिन उससे पहले वो टेस्ट ड्राइव करना चाहता था वो टेस्ट ड्राइव के लिए महिंद्रा थार ले गया बट वो आया ही नहीं भाई वो भाग गया इसके बाद क्या था वो बंदे के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज हुआ ना एंड वो अरेस्ट हो चुका है तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके कैटरीना कैफ के बारे में तो कैटरीना कैफ आपको पता होगा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है तो वो बात की अक्षय कुमार एंड सलमान खान के बारे में ना वो कहती है अक्षय कुमार मॉर्निंग पर्सन है एंड उनका बात अक्षय कुमार से यही होता है कि मैं सुबह 6 बजे शूट के लिए नहीं उठ सकती वही दूसरी तरफ वो सलमान खान के बारे में बताए उनको तो सलमान खान को रिक्वेस्ट करना पड़ता है शूट के लिए जल्दी आओ तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके सौरभ जोशी के फादर के बारे में तो वो हो जाते हैं भाई गुस्सा क्यों मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ आप देखिए गई इनका मुंह देखो ये क्या करा कहाँ ले गए दूसरे कैमरे में देखेगा वो फेंक दिया भाई साहब इतना गुस्सा टूट जाता तो लगी मेरी बताया था कितनी जोर से लगी टूट जाता तो अगर मेरी कमर टूट जाती तो कोई बात नहीं दोबारा नहीं ले आते जान भी थोड़ा मारा उसने जान मैं उसके ऊपर गिर जाता घर में नहीं चलाना चाहिए था मैं उसके ऊपर गिर जाता मान ले उसकी तो टूट जाती है ना कमर तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो ना उत्तर प्रदेश के एक हेड कांस्टेबल को एक कॉल आता है एंड वो कॉलर उनको बोलता है कि वो जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को अटैक करने वाला उसे एंड जैसे हेड कांस्टेबल ने पूछा कि कहां से बात कर रहे हो तो वो कॉलर तुरंत से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है ना वेल अभी इस मामले में FIR दर्ज हो चुका है एंड वो बंदा बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएगा ना तो चलिए अगली अपडेट के बारे में एक बंदे के बारे में जो कि सैलून में जाता है बाल वाल सेट कर लेता है ठीक है इसके बाद वो भाग जाता है वो पैसा नहीं देना चाहता था ना मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूँ आप देखिए चलिए अगली अपडेट के बाद में बीस्ट बॉय सुब के बारे में तो बीस्ट बॉय सुब एक ट्वीट किया एंड इसके आधे घंटे बाद वो उसको डिलीट कर दी वो ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था जब भी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हूँ रिपोर्ट्स एंड टेस्ट के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है मैं यही सोचता हूँ कि हम ज्यादा हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बिल्ड कर रहे स्टूपिड यूजलेस स्टैचूज बनाने में हम करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे फालतू के खर्चे करा लो बस ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया एंड इसके बाद वो एक ट्वीट करते हैं आई लव राइटिंग समथिंग दैट आई ट्रूली बिलीव इन बट आई यूजुअली जस्ट सेव इट इन ड्राफ्ट्स लाइक आई हैव सो मेनी ड्राफ्ट्स बट आई जस्ट राइट इट एंड सेव इट बिकॉज़ पोस्ट किया तो वेल I'm smart like that, but कभी कभी गलती से कुछ पोस्ट हो जाते हैं तो I delete it after 30 minutes or so. Sorry, my pookie wookies. I will post some cute memes and sick posts soon. तो चलिए अगली अपडेट के बाद में चुके अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट के बारे में तो आपको बताओ इनका 3 दिन तक प्री वेडिंग इवेंट चला वो वेडिंग नहीं है भाई प्री वेडिंग है ऑफकोर्स आपके इंस्टाग्राम में भी जब आप रील सर्फ कर रहे होगे तो फिर अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट का शादी का रील जरूर से आया होगा तो लोग अभी गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं डज राधिका मर्चेंट रियली लव अनंत तो उसी को रॉनी शेयर करते हुए एक हंसने वाला इमोजी डाले ना आप देख सकते हो आपको बताओ अनंत अंबानी के प्री वेडिंग इवेंट में विराट कोहली नहीं आए जबकि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत सारे क्रिकेटर्स आए तो क्या मुकेश अंबानी विराट कोहली को एफोर्ड नहीं कर सकते तो उसी के ऊपर मैक्सटन रिएक्ट करते हुए लिखे विराट कोहली चार्जेस 14 करोड़ फॉर एन एड शूट एंड पीपल थिंक अंबानी कुडंट बाय हिम ऑफकोर्स यार मुकेश अंबानी है वो खरीद सकते हैं आपको बताया होगा विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा अपना सेकंड बेबी वेलकम किया ना जिसका नाम उन्होंने रखा अकाय एंड करेंटली वो अभी लंदन में पता नहीं अभी तो आए भी होंगे इसलिए वो नहीं गए शायद वरना तो क्यों नहीं जाते यार तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके ट्रेन के टीटीई के बारे में जिसने भाई एक वुमन जिनका नाम है भावना देवी उनको चलते ट्रेन से धक्का दे दिया जिसके बाद से उनके पैर में फ्रैक्चर्स वगैरह आए ना एंड वो टीटीई ने ऐसा क्यों किया उनके पास ना जनरल कोच टिकट था बट वो चढ़ी AC1 कोच में एंड वो लेडी ने बताया ना टीटीई को कि मैं फाइन भरने के लिए रेडी हूं बट इसके बाद वो टीटीई गुस्सा हो जाते हैं एंड उनको वार्निंग देते ना कि मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा करके और वो रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट स्टेशन आ जाए मैं AC1 कोच से जनरल डब्बा में चली जाऊंगी बट वो नहीं माने इसके बाद क्या था वो उनका बैग को फेंक देते हैं एंड उनको भी पुश कर देते ना चलती ट्रेन से
बता दू वो टीटी भागे हुए हैं, जो भावना देवी है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, थगेश के बारे में। तो थगेश का एक प्रोजेक्ट आ रहा है आपको बता होगा एलसी, जो कि थगेश शो जितना ही बड़ा होगा, एंड इसका हाइप वो काफी टाइम से बना रहे। तो क्या है भाई एलसी वो तो पता नहीं, लेकिन एलसी कब आ रहा है इसका वो अपडेट दिए ना आप देखिए। सो या टाइम आ चुका है स्टोरी स्पैम करने का, बहुत टाइम से किया नहीं बट मैंने सोचा बात करनी चाहिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पेज पे शेयर किया था एलसी के बारे में, एंड बहुत लोग वही पूछ रहे हैं, वही कल के इसमें कमेंट आ रहे थे एलसी ऐसा कुछ नहीं है, देखो आएगा वो चीज आएगा, मैं चाहिए तो कल स्टार्ट कर सकता हूँ बिकॉज सब कुछ सेट है ऑलमोस्ट, मैं चाहिए कल शूट शुरू कर सकता हूँ एंड रिलीज कर सकता हूँ नेक्स्ट वीक। बट मुझे पता ये चीज ऐसी है, एक बार शुरू हो गई तो मैं इसको बंद नहीं कर पाऊंगा जल्दी, ये थोड़े टाइम तक चलेगी एंड इट्स अ जर्नी लाइक थगेश शो। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत अच्छे से हो एंड अच्छे से सब कुछ हो, तो इसके लिए बस चीजें अटकी हुई है, बस मेरे को वो परफेक्ट चीज चाहिए जो कि नहीं हो रही है, एंड मैं थोड़ा और टाइम वेट करूंगा उसके लिए। अगर वो नहीं भी होती है तो डू नॉट वरी, आएगा तो जरूर एलसी। ओके तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चूंकि SBI के एक सर्विस मैनेजर के बारे में, उसमें बता दो मुंबई से, ठीक है। तो वो सर्विस मैनेजर ने 4 kg गोल्ड ज्वेलरी जिसका प्राइस 3 crore है वही चोरी कर दिया बैंक के लॉकर से। यह जो बैंक का लॉकर था ना वो उसी SBI सर्विस मैनेजर के सुपरविजन में था, उनके पास ऑफकोर्स एक्सेस था उस लॉकर का, उनको ऑफकोर्स अभी अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने बताया ना कि वो गोल्ड को रिटर्न कर देंगे। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चूंकि इलॉन मस्क के बारे में। तो कल आपको पता होगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, किसी का भी नहीं चल रहा था ना पूरे दुनिया में, एंड ट्विटर यानी कि एक्स तो चल रहा था। तो इलॉन मस्क फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को ट्रोल करते हुए एक ट्वीट किया था ना, ये वाला आप देख सकते हो। फिर वो एक और ट्वीट किया, इफ यू आर रीडिंग दिस पोस्ट इट्स बिकॉज आवर सर्वर्स आर वर्किंग। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, 12,000 crore का ह्यूमन हेयर स्मगलिंग रैकेट के बारे में, जिसको की बर्स्ट किया गया हैदराबाद में। बता दू वो बालों को स्मगल किया जाता था चाइना में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, वियतनाम में थ्रू हैदराबाद एयरपोर्ट। 12,000 crore के बालों के स्मगल को बर्स्ट किए ना हैदराबाद पुलिस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान का न्यू लुक अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ये वाला। यस, आप देख सकते हो उनका जो अपीयरेंस है वो काफी वाइल्ड है ना। रिपोर्टेडली ये जो इमेज है ये उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, तो एकदम से मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन देख के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट का जो आने वाला वीडियो है वो बहुत ही खतरनाक होगा। वो कहे आई जस्ट रियलाइज वी हैव 300+ कैमरास रिकॉर्डिंग फॉर दिस वीडियो वी आर फिल्मिंग, आई थिंक दैट माइट बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लॉल भाई, एक वीडियो के लिए 300 कैमरास, इतना तो एक मूवी बनाने में भी नहीं लगता यार, खतरनाक भाई।